काम किया जा रहा है यहाँ पे? मैं परसों तक आमरण अनशन पे था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अपील पे मैंने अनशन तोड़ा, और अनशन तोड़ के मैं जब लोगों से लाइव हुआ तो मेरे क्षेत्र के माताओं बहनों ने, खूब चिंतकों ने फ़ोन किया कि आप आइए, हम जन सहभागिता से चंदा लगा के, अपने पेंशन दे के, अपने परिवार का गहना बेच के गिट्टी भी मंगाएंगे, जो सड़क में बनाने में मशीनरी लगती है उसको भी ले आएंगे, आप केवल यहाँ खड़े रहिए, सड़क हम लोग अपने आप बना लेंगे। इससे ज़्यादा प्रयास नहीं हो सकता। पिछले 3 साल से सड़क से लेके सदन तक और अधिकारी से लेके मंत्री तक मैंने हर जगह प्रयास कर लिया, सदन में उठाया, समिति में उठाया, अंत में जाके ज्ञापन दिया और त्यागपत्र भी दे दिया विधायकी से। लगातार 3 दिन तक अनशन पे रहा और 7 दिन तक अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पे रहा, लेकिन इस सरकार के बैठे अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, कोई प्रतिवाद तक नहीं किया, तो मैंने आमरण अनशन तोड़ा और जो जनता ने संकल्प लिया फलक बनाने का, मैं उनके साथ आज खड़ा हूँ फलक बनवाने में। आखिर इसके पीछे क्या लगता है कि सरकार ये क्यों बनवाना नहीं चाहती? इस सड़क को PMGY की सड़क थी, नवंबर 21 तक एक भी गड्ढा इस पे नहीं रहना चाहिए था, और लेकिन एक भी गड्ढा मूंदा नहीं गया, पाटा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी टीम लगा के जाँच करवाएँ और जनता हित में इस सड़क को बनवाएँ। दर्जनों लोग इसमें, महिलाएं वो पीछे को पलट गई हैं, एक साइड से बैठती हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, 50 लोगों का हाथ पैर टूट चुका है, बच्चे बच्चियां स्कूल जाते समय उनके कपड़े खराब हुए हैं, उनको भी चोटें आई हैं। उन माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे चोटिल होते हैं, उनके हाथ पैर टूटते हैं और उनका स्कूल भी छूटता है, उनकी पढ़ाई भी बाधित होती है। तो मैंने जितना जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे प्रयास करना चाहिए था वो सब मैंने किया, और पद से इस्तीफा भी दिया। सरकार नहीं जगी तो मेरे क्षेत्र की जनता जग गई। जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ इनके जज्बे का कि आज जिस मैंने ना किसी को 1 लीटर पेट्रोल दिया है, ना डीजल दिया है, ना मजदूरी दिया है, सब अपने आप आए हैं और अपने आप ही सड़क को बना रहे हैं, मैं इनका आभार। प्रशासन का कितना सहयोग मिल पा रहा है कि नहीं? प्रशासन सुबह से इस बात पर अडिग है कि ये सड़क मत बनवाइए, सड़क बनवाने का जिम्मा आपका नहीं है, और आप लोग अभी देखे भी होंगे कि सारे वरिष्ठ अधिकारी मुझे चौकी पर बिठाए थे, लेकिन मैं वहाँ से निकल के अपनी जनता से मिलने आया हूँ। मुझे आशंका है कि अभी मुझे गिरफ्तार भी किया जाएगा, तो आपके माध्यम से मैं जनता से ही अपील करूँगा कि ये सड़क का काम बनाने का जारी रखेंगे, मुझे गिरफ्तार करके जहाँ ले जाते हैं वहाँ आएंगे तो ज़रूर मुझसे मिलने, लेकिन सड़क बनाने के बाद आएंगे।